गुड मॉर्निंग माय फ्यूचर डॉक्टर्स। तो कैसे आप? तो मैं सारी तरह स्वस्थ और मस्त और पढ़ाई में व्यस्त। तो मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल एशिया नितिन देसी चंचल कुलदीप। तो हम सेल बायोलॉजी के आज आखिरी पोर्शन पर पहुँच चुके हैं और ये सेल बायोलॉजी का जो आखिरी लेक्चर रहेगा आज का, सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है सेल बायोलॉजी का। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। क्यों? क्योंकि ये जो आज का टॉपिक है न्यूक्लियस, वो अदर चैप्टर से क्या हो रहा है कोरिलेट रहता ही, जैसे मोलिकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी तक भी इसका क्या हो रहा है, पूरा का पूरा ही फैला हुआ है। क्योंकि डीएनए, आपको न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, ये सब का सब आपको अदर चैप्टर में आपको देखने मिलेगा। तो आज मैं उसको अच्छी तरह से आपको डिटेलिंग में समझाने वाला हूँ, तो आप इसको ध्यान से समझे, बिल्कुल भी एक भी आपको इसमें स्टेप मिस नहीं करने। पूरे लेक्चर में कंटिन्यू मेरे साथ बने रहना है। तो देखो, जो न्यूक्लियस है उसकी जो खोज है, वो पहले मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दी थी कि सारे के सारे जो जितने भी साइंटिस्ट है उनकी डिस्कवरी, उनके साइंटिस्ट के नाम, वो किससे रिलेटेड, तो वो पहले मैंने आपको समझा दिया कि आपको याद करना था। ओनली सेल बायोलॉजी में आपको एनसीईआरटी में जो साइंटिस्ट के नाम दे रखे हैं, 10-11 साइंटिस्ट है, तो वही आप याद कर लो। एक्स्ट्रा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जब जरूरत होगी या आपको ऐसा लगेगा कि मैंने एनसीईआरटी बेस सारे के सारे साइंटिस्ट के नाम तो याद कर लिए, अब मेरे को एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आपको बिल्कुल एशियाई की जो बनी हुई सीट है आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें आपको साइंटिस्ट के नाम अच्छी तरह से, माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने की थी, नाम किसने दिया था, ये क्लोरोप्लास्ट का नाम, ये उसका नाम, ये सब आपके पड़ोसियों के नाम तक का नामकरण किसने किया था, मैं सब आपको उसमें लिख करके सेंड कर दूंगा। लेकिन पहले आपको इनको याद करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको लेक्चर को रेगुलर फॉलो भी करना पड़ेगा, प्रॉपर नोट्स भी तैयार करने होंगे, ठीक है, और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को ऊपर रखना पड़ेगा, क्योंकि आप नीट की तैयारी कर रहे हो, तो आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए आप अगर भगवान का दूसरा रूप बनने जा रहे हो, तो थोड़ी सी उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, है कि नहीं? लेकिन ऐसे आपको लगेगा कि थोड़ा सा आपको समझ में ना आए कि आपने तो मेरे से नहीं होगा, तो फिर तो बात बनने वाली नहीं है। तो खैर, हम तो आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि खोज जो न्यूक्लियस की, वो किन्होंने की थी? रॉबर्ट ब्राउन नाम के जो साइंटिस्ट थे, 1831 में। अभी क्या करता है, कोशिका की उपापचय और जो वंशागति है, इनहेरिटेंस, उसको कंट्रोल करके रखता है। कैसे? जैसे मेटाबॉलिज्म जो चलती है, मेटाबॉलिज्म क्या होती है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, मतलब एक प्रकार की रिएक्शन तो बॉडी में जो चलने वाली है, उन रिएक्शंस को चलाने के लिए, मेटाबॉलिज्म को चलाने के लिए एंजाइम्स या प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी। एंजाइम्स क्या होते हैं, एक प्रकार के प्रोटीन ही, और प्रोटीन बनती कहाँ से, प्रोटीन बनेगी एमआरएनए से, एमआरएनए कहाँ से बनकर आएगा, डीएनए से, और डीएनए कहाँ पर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में। तो प्रोटीन्स और एंजाइम बन करके कहाँ से आ रहे हैं, डीएनए से, और डीएनए कहाँ पर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में। मतलब जो मेटाबॉलिज्म चल रही है उसको कंट्रोल करने का काम किसका है, न्यूक्लियस का ही है कि नहीं? तो और इनहेरिटेंस या वंशागति से माता पिता के लक्षण बच्चों में जाते हैं, तो उनको लेकर के कौन जाएगा, डीएनए जाएगा, क्रोमोसोम लेकर के जाएगा। लेकिन वो डीएनए या फिर जो क्रोमोसोम की बात करें, वो कहाँ पर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है वो। तो इस कारण जो वंशागति और उपापचय है उसको कंट्रोल भी कौन करेगा, न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा। अब बात करें संख्या, जनरली जो न्यूक्लियस है उसकी संख्या एक सेल में एक होती है, लेकिन इसके कुछ आपको एक्सेप्शन भी आपको देखने मिलेंगे, जैसे कि पैरामीशिया में दो होती है, आरबीसी में एबसेंट होता है न्यूक्लियस, परिपक्व आरबीसी में न्यूक्लियस क्या होता है, एबसेंट। लेकिन जो अभी मैच्योर नहीं हुई है, मतलब अपरिपक्व आरबीसी, उसमें तो आपको न्यूक्लियस देखने मिलेगा। और जो चालि नली का फ्लोएम का एक पार्ट है, वहां पर भी आपको न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये तो न्यूक्लियस के बारे में कुछ क्या थी इंफॉर्मेशन थी। अब न्यूक्लियस के हम स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे मैंने क्या बना रखा है, न्यूक्लियस बना रखा है। अब इसमें आपको अच्छी तरह से अगर आप देखोगे तो इसमें आपको दो झिल्लियां नजर आ रही है, दो झिल्लियां नजर आ रही कि नहीं आ रही। एक झिल्ली जो बाहर की तरफ, उसको बोला जा रहा है आउटर मेम्ब्रेन, एक झिल्ली जो अंदर की तरफ, उसको बोला जा रहा है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। लेकिन दोनों झिल्लियों के बीच में आपको स्पेस दिख रहा होगा एक, ये देखो, ये तो ये वाली कौन सी है, जहां पर देखो मैं मार्कर टच कर रहा हूं, ये वाली कौन सी है, आउटर मेम्ब्रेन। ये अंदर वाली जो ब्लैक वाली है वो कौन सी, इनर मेम्ब्रेन। लेकिन दोनों झिल्लियों के बीच में जो स्पेस देखने को मिल रहा है, ये इसको बोला जाता है पेरीन्यूक्लियर स्पेस, परिकेंद्रकीय अवकाश। हिंदी वाले जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनको बता दो कि इसको हिंदी में बोला जाता है परिकेंद्रकीय अवकाश। कितना होता है ये, 10 से लेकर के 50 नैनोमीटर का होता है, ठीक है।
बाह्य झिल्ली देख ली, आंतरिक झिल्ली देख ली, दोनों झिल्ली के बीच में जो स्पेस है उसको क्या बोला जा रहा है, परिकेंद्रीय के अवकाश, वो भी देख लिया हमने कितना होता है परिकेंद्रीय के अवकाश, 10 से लेकर के 50 नैनोमीटर। अब देखो हम बात करेगी कि जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये इधर देखो, इधर ये जो आउटर मेम्ब्रेन, ये क्या है, प्रसारित होकर के किसके साथ सतत बनी हुई है, फिर किसका निर्माण करी है, ये निर्माण करी किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, अंतःपरद्रवी जालिका का। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है ना वो बाहर की तरफ प्रसारित होकर क्या करेगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण करेगी, जिस पर क्या जुड़े होंगे, राइबोसोम, 80S राइबोसोम वहां पर जुड़े होंगे। तो ये वाली जो मैंने बनाई है ना, ये वाली, ये जो कुछ मैंने बनाई है, ये क्या है, आर ई आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहां पर जो आउटर मेम्ब्रेन है वहां पर भी आपको क्या देखने मिलेंगे, 80S राइबोसोम आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। तो आउटर मेम्ब्रेन देख ली, इनर मेम्ब्रेन देख ली, पेरिन्यूक्लियर स्पेस देख लिया। अब एक चीज आ रही है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स क्या है, देखो ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, ये वाले, ये देखो जब जी, या कहीं कहीं पर आपको देखो ये खाली जगह दिखने मिल रही है, ये जो खाली स्पेस आपको दिखने मिल रहा है मेम्ब्रेन के बीच में, जो केंद्रक झिल्ली है वो देखो क्या करे, वैसे तो ये क्या है, एक दूसरे के समांतर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों की, बाई इनर आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन एक दूसरे के समांतर चल रही, लेकिन चलते 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 कुछ जगह पर ये क्या होगी, फ्यूज होगी, और क्या होगी, थोड़ी देर के लिए क्या होगी, फिर बंद हो गई बनना, फिर आगे वापस समांतर बनना स्टार्ट हो गई, लेकिन बीच में जो स्पेस रह गया ना उसको बोला जाएगा न्यूक्लियर पोर, उसको क्या बोला जाएगा, न्यूक्लियर पोर। लेकिन कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, न्यूक्लियस, ये तो सिर्फ छिद्र है एक प्रकार का, देखो ये मान लो कि ये क्या है, ये जो इस ढक्कन में आपको दिख रहा है, ये क्या है, सिंपल एक छिद्र है। लेकिन ये जो आपको मेम्ब्रेन के बीच में देखने मिल रहा है, ये कोई सिंपल छिद्र नहीं है, ये क्या है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, वो क्या करेगी, अगर साइटोप्लाज्म से कोई पदार्थ अंदर जाएगा और न्यूक्लियोप्लाज्म से कोई पदार्थ बाहर जाना चाहेगा, तो उसको कंट्रोल रखेगी कौन, उसका कंट्रोल रखेगी वो विशेष प्रकार की जो प्रोटीन पाई जा रही है इसमें, वो प्रोटीन क्या करती है, उसका कंट्रोल करती है, मतलब परिवहन को क्या करे, कंट्रोल। तो एक प्रकार से पोर कॉम्प्लेक्स क्यों बोला, क्योंकि सिंपल छिद्र नहीं है, इसके साथ साथ कुछ प्रोटीन भी इसमें पाई जाती। तो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, पेरिन्यूक्लियर स्पेस और न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, इन चारों स्ट्रक्चर को मिलाकर के बोला जाता है क्या, केंद्रक आवरण, न्यूक्लियर एनवलप बोला जाता है, ठीक है। तो ये तो हमने सिर्फ अभी तक किसकी बात की, आवरण की, बाह्य आवरण, सॉरी आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन दोनों के बीच में क्या स्पेस, जिसको बोला जा रहा है पेरिन्यूक्लियर स्पेस, और कहीं कहीं पर ये झिल्ली, दोनों झिल्ली आपस में टूटी हुई है या परस्पर फ्यूज हुई है, तो उनके बीच में जो छिद्र पाया जा रहा है उसको बोला जा रहा है क्या, न्यूक्लियर पोर, और उसके साथ प्रोटीन को मिला देते न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। अब ये जो न्यूक्लियस है उसके अंदर आपको द्रव जो देखने मिलेगा, जैसे कि ये, अगर ये बात करें देखो, यहाँ पर आपको ऐसे न्यूक्लियस में पूरा पूरा जैसे कोई ऐसे द्रव देखने मिलेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म। कौन सा प्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस के अंदर आपको जो द्रव भरा हुआ मिलेगा उसको बोला जाएगा क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म में देखो ये धागे की जैसी संरचना आपको बिखरी हुई दिखाई पड़ रही है, तो इसको बोला जा रहा है क्रोमेटिन। क्रोमो का मीनिंग क्या होता है, क्रोमो का मीनिंग होता है धागा, ठीक है। और देखो ये जो क्रोमेटिन है वह भी आपको दो तरह से दिखाई पड़ रही, ठीक है। बीच वाली जो क्रोमेटिन है वो तो ढीली डाली बंधी हुई, ठीक है। और जो एक जो क्रोमेटिन है ये देखो परिधि के पास जो है, ठीक है, ये क्या है, ये थोड़ी सी कंडेंस या संघनित बंधी हुई है, ठीक है। तो देखो ये जो परिधि में है ये थोड़ी सी संघनित है, जटिल है, मतलब थोड़ी सी क्या है, ज्यादा कुंडलित है ये, तो इसको तो बोला जाता है हेट्रोक्रोमेटिन। ये जो परिधि में ना ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई है, इसको तो बोला जा रहा है क्या, हेट्रोक्रोमेटिन। और जो अंदर है, देखो अंदर वाली जो क्रोमेटिन ये ढीली डाली बंधी हुई है, तो इसको बोला जा रहा है यूक्रोमेटिन। तो दोनों को मिलाकर क्या बोला हमने, क्रोमेटिन, ठीक है। सॉरी एक मैंने भी जो शब्द का इस्तेमाल किया कि
क्रोमा का मतलब धागा होता है, तो क्रोमा का मेन एक्चुअल में क्या होता है, रंग, रंग रंगीन संरचना। और टिन का मतलब क्या होता है, धागा, तो मतलब रंगीन संरचना, रंगीन धागा। लेकिन ये रंगीन ऐसे नहीं दिखेगा, जब इसको डाई से रंजित किया जाएगा तब ये रंगीन दिखाई पड़ेगी, लेकिन वैसे तो कैसी होती है, रंगहीन होती है, रंगहीन। ठीक है, ये तो न्यूक्लियस की संरचना देख ली हमने, लेकिन कहीं कहीं पर देखो ये आपको एक गोल गोल संरचना दिखाई पड़ रही है, जैसे कि ये। तो जो न्यूक्लियस में गोल गोल राउंड राउंड जो संरचना दिखाई पड़ रही है, ये क्या है, न्यूक्लियो लस, इसको हिंदी बोले तो केंद्रिका, न्यूक्लियो लस। ठीक है, अब ये न्यूक्लियो लस क्या होता है, देखो न्यूक्लियो लस भी एक प्रकार से डीएनए ही है, या फिर क्रोमेटिन। एक्चुअल में क्रोमेटिन क्या होती है, ये हमारा डीएनए ही है जो क्या हुआ, पूरा 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 न्यूक्लियस में फैला हुआ है। लेकिन जब सेल डिवीजन होता है तो यही जो डीएनए हमारा, ये कुंडलित होकर के क्या कर लेता है, एक सघन संरचना बना लेता है, जिसको क्या बोला जाता है, क्रोमोसोम। जैसे ऊन, ऊन की जो ऐसे होता है ना ऊन, जो वो तो आपने देखा होगा, लेकिन जब ऊन को गूंथ दिया जाता है तो एक मोटी संरचना में परिवर्तित हो जाता है ना, तो वैसे हमारे डीएनए को लपेट दिया जाएगा ना, उसको संघनित कर दिया जाएगा, तो एक मोटी संरचना में परिवर्तित हो जाता है, जिसको बोला जाता है क्रोमोसोम। एक्चुअल में क्रोमेटिन क्या है, ये हमारा डीएनए ही है, लेकिन इसके साथ साथ में आरएनए भी रहता है, कुछ प्रोटीन भी लिपटी रहती है, लेकिन जो मेजर पार्ट होता है वो क्या होता है, डीएनए। जब इसको संघनित किया जाएगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, क्रोमोसोम में चेंज हो जाएगा। तो ये एक्चुअली में न्यूक्लियोलस भी क्या है, हमारा डीएनए का कुछ पार्ट ही है। ठीक है, जहां पर क्या बनेगा, जहां पर बनेगा आर आरएनए का निर्माण होता है, आर आरएनए का निर्माण होता है, तो न्यूक्लियोलस है वो एक प्रकार का क्या है, डीएनए। तो वो ठीक है, तो इस जो ये वाला जो डीएनए है, या जो न्यूक्लियोलस वाला जो डीएनए है, वो क्या करेगा, कौन से आरएनए का निर्माण करेगा, आर आरएनए का निर्माण करेगा। और जब आर आरएनए के साथ प्रोटीन को जोड़ दिया जाएगा तब किसका निर्माण होगा, राइबोसोम का निर्माण होगा। इस कारण तो न्यूक्लियोलस को क्या बोला जाता है, राइबोसोमल, राइबोसोम की फैक्ट्री बोला जाता है। क्यों, क्योंकि राइबोसोम किस किस से मिलकर के बना हुआ है, आरएनए प्लस प्रोटीन से। आरएनए का निर्माण कहां से हो रहा है, न्यूक्लियोलस से, इस कारण न्यूक्लियोलस को क्या बोला, राइबोसोम की फैक्ट्री बोला जा रहा है। तो ये तो संरचना की बात हो गई। अब जब मैंने आपको डिफरेंस समझाए थे तब यूकेरियोटिक जो न्यूक्लियस है उसके चार पार्ट बताए मैंने, एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक आवरण, दूसरा क्या था, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये वाला, ये तो एक, ये न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, दो वाला पार्ट, क्रोमेटिन क्या है, तीन, और न्यूक्लियोलस क्या है, चार। तो हमको ये चार टॉपिक पढ़ने हैं, तो केंद्रक आवरण, दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म, तीसरा क्रोमेटिन, और चौथा क्या पढ़ना हमको, न्यूक्लियोलस। उसके बाद हमारा न्यूक्लियस खत्म, और उसके बाद थोड़ा सा हम इसके किसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे, हमको समझना पड़ेगा किसके बारे में, क्रोमोसोम के बारे में, क्रोमोसोम के थोड़े से टाइप, थोड़ी सी संरचना। ठीक है, वैसे तो जो पूरा पूरा क्रोमोसोम है आपको धीरे धीरे, आप जब सेल डिवीजन पढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगा है, काइनेटोकोर क्या है, सेंट्रोमेयर क्या होता है, क्रोमेटिड क्या होता है, तो आपको वहां पर धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। लेकिन मैं आपको ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन उसका क्रोमोसोम का यहाँ पर दूंगा। ठीक है, जितना एनसीईआरटी में लिख रखा है उतना तो मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखो, पहला जो हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर एनवलप या केंद्रक आवरण की बात करें, तो वही जो मैंने आपको बोर्ड पर समझाया वही देखो थ्योरी यहाँ पर बोर्ड पर लिख रखी है, और अब तो आपको क्लियर विजुअली भी हो रहा होगा, आपको कोई दिक्कत भी नहीं आ रही, वॉइस में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, जो वीडियो क्वालिटी उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, लेकिन दिक्कत सिर्फ एक ही आ रही है कि प्रॉपर आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, और आप, मैं जो क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ वीडियो के दौरान, आप उसके कमेंट करके मेरे को आंसर भी नहीं देते हो। जैसे अभी एक बहुत ही, राहुल सर ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डाला था आपके लिए कम्युनिटी पर कि ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट क्या होता है, तो बहुत ही कन्फ्यूजिंग टॉपिक है, और ये नीट में पूछा गया है, एक्चुअली में नीट में पूछा गया, अगर आप कोई रेफरेंस बुक देखोगे तो पुराने जो एग्जाम है वहाँ पर ये देखने को मिलेगा। और मैं राहुल सर ऐसे बता रहे कि 99% जो स्टूडेंट है वो इसको गलत करके आते हैं, तो मैं देखता हूँ कि आप में से कितने इस आंसर का सही जवाब दे पाते हो। तो आपको बिल्कुल क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करते रहे, अपने फ्रेंड को बताते रहे जो कि कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे फीस के अभाव में। ठीक है, तो आप इसके बारे में आप उसको उनको रेफर करें। हाँ, तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है,
द्विस्तरीय, ठीक है, दो दो दोहरी झिल्ली है ये, तो तब इसकी बाह्य झिल्ली पर राइबोसोम प्रेजेंट रहता है कि नहीं, कौन सा राइबोसोम रहता है प्रेजेंट, सी एस राइबोसोम प्रेजेंट रहता है, तो तब बाह्य झिल्ली आर ई आर के सतत बनी रहती है, देखो उधर बनी हुई ना आर ई आर के साथ सतत बनी हुई, ठीक है। आगे अगली लाइन क्या लिख रखी हुई, बाहरी झिल्ली पर राइबोसोम प्रेजेंट, ये लाइन रिपीट हो गई, ठीक है, आप इसको लिखना नहीं, जो तीसरे नंबर की लाइन है। आगे देखो ये क्या है, दोनों झिल्लियां परस्पर समांतर होती है, बिल्कुल देखो समांतर है, लेकिन कहीं कहीं पर ये आपस में फ्यूज होकर किसका निर्माण करे, न्यूक्लियर पोर का निर्माण करती। अभी न्यूक्लियर पोर का निर्माण क्यों हुआ, देखो ये न्यूक्लियर पोर का निर्माण करती, न्यूक्लियर पोर का निर्माण करी। अब आप ऐसे सोच रहे हो कि न्यूक्लियर पोर क्यों, बीच में जो खाली जगह छोड़ दी वो क्यों है, अरे सुनो आप ऐसे सुनो, न्यूक्लियस में क्या बनेगा, न्यूक्लियस में प्रेजेंट क्या है डीएनए से बनेगा क्या आरएनए से बनेगी क्या प्रोटीन बनेगी कहां पर, साइटोप्लाज्म में, तो आरएनए निकलकर तो जाएगा साइटोप्लाज्म में, तभी तो उससे क्या बन पाएगी, प्रोटीन बन पाएगी, तो जाने के लिए ऐसे थोड़ी वो कूद करके जंप मार करके बाहर चला जाएगा, तो कोई ना कोई रास्ता तो होना चाहिए जिससे निकल करके आरएनए एमआरएनए आरआरएनए टीआरएनए ये सारे के सारे निकल करके बाहर जा पाए, तभी तो प्रोटीन का संश्लेषण होगा। और न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर पूरी ट्रांसक्रिप्शन चलेगा, ट्रांसलेशन चलेगा और प्रतिकृति चलेगी, तो इन सभी प्रोसेस को चलाने के लिए एंजाइम चाहिए कि नहीं चाहिए, अब एंजाइम एक्चुअल में क्या है, प्रोटीन ही तो है वो, तो प्रोटीन बन कहां पर रही है, साइटोप्लाज्म में, और ये सभी के सभी काम ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन कहां पर चल रहे हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, तो प्रोटीन वो अंदर कहां पर कैसे आएगी न्यूक्लियोप्लाज्म में, वो किसी पोर से या किसी रास्ते से होकर ही तो आएगी, तो यहां से एंजाइम जितने भी एंजाइम है वो कहां साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में एंटर करेंगे, और न्यूक्लियस से आरआरएनए जो बन चुका है टीआरएनए बन चुका है एमआरएनए बन चुका है वो न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में किसके थ्रू आएंगे, वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू ही तो आएंगे, समझे बात को, तो देखो न्यूक्लियर पोर से होकर प्रोटीन आरएनए राइबोसोम इत्यादि का परिवहन किया जाता है, लेकिन किसका परिवहन किस डायरेक्शन में होगा ये तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बोल करके समझा तो दिए ही, एंजाइम जितने भी है साइटोप्लाज्म में बन रहे हैं तो वो साइटोप्लाज्म से किस किधर जाएंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ, लेकिन न्यूक्लियोप्लाज्म में जो बन रहा है वो किस तरफ जाएगा, साइटोप्लाज्म की तरफ, सीधी सी बात है, लेकिन इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोप्लाज्म में तो क्या बन रहा है, साइटोप्लाज्म में क्या बन रहा है। अब देखो दोनों झिल्लियों के मध्य 10 से लेकर के 50 नैनोमीटर का अवकाश पाया जाता है, 10 से लेकर के 50 नैनोमीटर का अवकाश पाया जा रहा है, जिसको क्या बोल रहे हैं, पेरिन्यूक्लियर स्पेस बोला जा रहा है, तो ये न्यूक्लियर एनवेलप का खेल खत्म, समझ गए बात को। अब जो आगे वाला तुम्हारा टॉपिक है न्यूक्लियोप्लाज्म, एक प्रकार से क्या द्रव है, न्यूक्लियस में भरा हुआ द्रव, इसका पीएच देखो आपको सामने लिखा हुआ दिख रहा है 7.2 से 7.4, और इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहेगा, जल रहेगा प्रेजेंट, क्रोमेटिन प्रेजेंट रहेगी, न्यूक्लियोटाइड क्या होती है, चाहे डीएनए क्या है, लंबा थ्रेड है, लंबा धागा, लेकिन उस लंबे धागे को बनाने में कौन सी इकाइयां काम कर रही है, कौन सी इकाई ने जुड़ जुड़ करके वो लंबा धागा बनाया, तो वो इकाइयों का नाम क्या है, न्यूक्लियोटाइड, तो ये न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट रहेगा, न्यूक्लियोसाइड प्रेजेंट रहेगा, और यहां पर क्या चलता है, रेप्लिकेशन की प्रोसेस चलेगी, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस चलेगी, और ट्रांसलेशन की प्रोसेस यहां पर चाहिए, ट्रांसलेशन की प्रोसेस कहां पर चलेगी, वो साइटोप्लाज्म में चलेगी। अब कितने को कंफ्यूज हो गया, न्यूक्लियोटाइड तो समझ गए, न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड तो समझ गए निकल, न्यूक्लियोसाइड क्या है, तो फिलहाल मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि आप सिर्फ न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड कहां पर प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होते, इससे आपको ज्यादा एक्स्ट्रा याद नहीं रखना, क्योंकि अगर मैं आपको इनको समझाने चलूंगा तो आप ऑटोमेटिक क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, पेंटोज शुगर क्या होता है, यहाँ पर फॉस्फेट बीच में से कहाँ पर आ गया, तो आपको कंफ्यूज मैं आपको नहीं करूँगा बिल्कुल। तो एक कहाँ तक हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म तो गया, अब इसके आगे हमको दो टॉपिक और क्या देखने, एक तो क्रोमेटिन और एक क्या, एक देखना हमको क्या, न्यूक्लियोलस, यहाँ तक न्यूक्लियस खत्म हो जाएगा, फिर उसके बारे में थोड़ा सा क्या देखना हमको, क्रोमोसोम के बारे में हमको देखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको प्रॉपर क्या करो, मैंने जो समझाया वो आपको समझ में आया होगा, आप इसको क्या कर लो, नोट कर लो, प्रॉपर नोट करना है आपको, एक ही पॉइंट छोड़ना नहीं है,
इसके बाद में अगर आप NCERT उठाकर रीडिंग कर लगाने बैठे हुए तो एक एक लाइन आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। ठीक है, तो मैं साइड में हट जाता हूँ, आप इसको नोट कर लो। तो मैं साइड में हटा, आपने नोट किया, तो देखो आपने वो नोट कर लिया होगा क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देख लिया, और उसके बाद में हमने क्या देख लिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद न्यूक्लियोप्लाज्म। अब जो हमारा एक तो तीसरा पार्ट है वो क्या है, क्रोमेटिन, और चौथा पार्ट क्या है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस क्रोमेटिन। ठीक है, तो क्रोमेटिन जो है, एक्चुअली मैं बताऊं कि क्रोमेटिन एक्चुअली में क्या है, डीएनए ही है हमारा, जो न्यूक्लियस में इंटरफेज में क्या कैसे दिखेगा, जो इंटरफेज जो न्यूक्लियस है, इंटरफेज न्यूक्लियस क्या आ गया बीच में, सेल डिवीजन की अलग अलग स्टेज है, जिनको इजी वे में समझने के लिए हमने उनको अलग अलग नाम दे रखा है, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसी आई के साथ आपको कंटिन्यूटी जो बनाए रखनी होगी अगर आपको इन टॉपिक को समझना है। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको अदर चैप्टर समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि मैं शुरू से आपको बोलते आ रहा हूँ कि सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, दो तीन चैप्टर सेल बायोलॉजी के, लेकिन 38 के 38 जो चैप्टर है बायोलॉजी के, उनके सभी को क्या कंट्रोल करके चलते हैं तीनों चैप्टर, बायोमोलिक्यूल, सेल डिवीजन और साइटोलॉजी। अब जो चल रहा है हमारा साइटोलॉजी है, किन्हीं किन्हीं को तो ये भी पता नहीं होता कि साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है ना, अगर आपको पता है तो वही मेरा डायलॉग कि आप कमेंट करके भेजो मेरे को, फिर मैं आपको अच्छी तरह से उसमें आपको डिफरेंस समझा कि सेल बायोलॉजी क्या है, साइटोलॉजी क्या है। बहुत ही कन्फ्यूजन रहता ना स्टूडेंट को, जहाँ पर चैप्टर का नाम लिखा है, कई स्टूडेंट तो साइटोलॉजी की हेडिंग को क्या मान लेते हैं, ये तो यही है सेल बायोलॉजी पहला जो चैप्टर है, लेकिन एक्चुअल में जो पहला चैप्टर वो पूरा का पूरा सेल बायोलॉजी नहीं है, वो तो सिर्फ क्या है, जो चल रहा है ना वो क्या है, साइटोलॉजी, तीनों जो चैप्टर उनको मिला करके बोलेंगे हम सेल बायोलॉजी। जो क्रोमेटिन है ना, जो ये धागा है, एक्चुअल में वो क्या है, डीएनए ही है, लेकिन उसमें कुछ कुछ आरएनए भी उलझा रहता है, प्रोटीन भी उलझी रहती है उसमें, हिस्टोन प्रोटीन हो सकती है, वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन हो सकती है, तो ऐसे चार कंपोनेंट रहते हैं क्रोमेटिन के। ठीक है, आरएनए, डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो ये जो क्रोमेटिन है, उसकी फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट, फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने क्या की थी, इंटरफेजिक न्यूक्लियस में एक अत्यंत गुतिव संरचना को देखा, जिसको क्या बोला उन्होंने, क्रोमेटिन। अभी ऐसे दिखाई नहीं देगा, दिखाई कैसे देगा, जब इसको एसिटोकार्बेन और हिमेटोजाइलिन नाम की जो दो बेसिक प्रोटीन होती है, क्षारीय अभिरंजन है, इनसे जब इनको अभिरंजित कर दिया जाता है, तब ये क्या होगी, दिखाई पड़ेगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब ये डाई इनपुट जब डाली जाएगी, इन डाइज को एक्सेप्ट करेगा कौन, या ग्रहण करेगा कौन, तो इनको डाइज को ग्रहण करते कौन, हिस्टोन प्रोटीन। तो जहां जहां पर हिस्टोन प्रोटीन ज्यादा दिखेगी, वहां वहां पर ये रंग ज्यादा दिखेगा हमको। तो मैंने जब भी जो आपके पीछे जो डायग्राम बनाया, क्रोमेटिन दो प्रकार की दिखाई, एक तो जो परिधि में थी, इनर मेम्ब्रेन से जो जुड़ी हुई थी, वहां पर थोड़ा कलर क्या था, गहरा था, और जो बीच वाला, जो बीच वाली जो क्रोमेटिन, तो वहां पर कलर क्या था, थोड़ा कम गहरा था, क्योंकि जो परिधि वाली जो क्रोमेटिन है वो ज्यादा गुथी हुई है, वहां पर स्टोन प्रोटीन क्या है, ज्यादा है, लेकिन जो बीच वाली वो क्या डीली डाली बनती है, इस कारण वहां पर कलर भी वो क्या लेगी, कम लेगी। तो देखो ये क्या है, अभिरंजन के आधार पर दो प्रकार के, तो यूक्रोमेटिन और एक हेट्रोक्रोमेटिन। अब यूक्रोमेटिन तो देखो आपको कहां पर देखने मिलेगी, केंद्र की भाग में प्रेजेंट, और डीली डाली बनती हुई है, और हल्का अभिरंजन लेती, तो यहां पर स्टोन प्रोटीन क्या होगी, कम। जहां पर स्टोन प्रोटीन कम, तो वहां पर अभिरंजन भी क्या होगा, कम। लेकिन जहां पर स्टोन प्रोटीन कम होगी, वहां पर नॉन स्टोन प्रोटीन क्या होगी, ज्यादा। अब रेप्लिकेशन की बात करें, तो जब रेप्लिकेशन होता है ना, तब वो पूरे डीएनए का होता है, ऐसा नहीं कि हेट्रोक्रोमेटिन को जाएगा, यूक्रोमेटिन को नहीं होगा। जब रेप्लिकेशन होता है, तब पूरा का पूरा डीएनए रेप्लिकेशन करेगा, तो रेप्लिकेशन तो यूक्रोमेटिन का भी होगा और हेट्रोक्रोमेटिन का भी होगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अब देखो कि जो यूक्रोमेटिन है वो ढीली डाली बंदी हुई है, मतलब उसकी सूचना क्या छिपी हुई नहीं है, जब उसको रेप्लिकेशन करना होगा तो आसानी से खुल सकती है, आसानी से उसका ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है, आसानी से mRNA बन सकता है, tRNA बन सकता है, rRNA, तो वो आनुवांशिक रूप से अधिक सक्रिय है कि नहीं, तो जल्दी से रेप्लिकेशन कर सकती है, जल्दी से ट्रांसक्रिप्शन कर सकती है, तो ये आनुवांशिक रूप से क्या है, ज्यादा सक्रिय है। लेकिन इधर चलो आप, परिधि भाग में प्रेजेंट होगी, सघनता से बंधित, टाइटली बाउंड होती,
और ये कैसा व्यंजन लेके गहरा, क्योंकि यहाँ पर स्टोन प्रोटीन क्या होगी ज्यादा, और जहां पर स्टोन प्रोटीन ज्यादा वहां पर नॉन स्टोन प्रोटीन क्या कम, और इसका भी रेप्लिकेशन होगा, बताया ना पूरे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, और ये आनुवांशिक रूप से क्या होगी कम सक्रिय, क्यों, क्योंकि देखो अगर इसको अपनी आनुवांशिक सूचना को प्रकट करना होगा या तो अपने डीएनए क्या करेगी कॉपी करेगी या आरएनए बनाएगी, लेकिन आरएनए और डीएनए बनाएगी तब इसको खोलना पड़ेगा, और खोलने में क्या लगेगा ज्यादा टाइम लगेगा, तो जितनी ज्यादा उलझी वो उतनी क्या कम सक्रिय, तो ये किसकी बात होगी क्रोमेटिन की। अब न्यूक्लियस की बात करें, सॉरी न्यूक्लियोलस की बात करें, तो न्यूक्लियोलस कुछ नहीं है कि एक्चुअल में ये क्रोमेटिन ही है, ये भी क्या एक प्रकार का क्रोमेटिन डीएनए का पार्ट ही है, लेकिन ये कैसा होता है राउंड गोल संरचना होती है, इस पर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती, फिर स्मॉल एंड राउंड स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन लेस होती है, और दूसरी बात कि जब क्रोमोसोम, ये जो क्रोमेटिन ना आगे चल करके क्या बनाएगी, आगे चल करके क्या बनाएगी, ये क्रोमोसोम बनाएगी, लेकिन जब क्रोमोसोम का निर्माण होगा तो वो डीएनए का पार्ट वो या फिर वो क्रोमेटिन जो जहां पर आपको ये न्यूक्लियोलस देखने मिल रहा है, क्रोमेटिन का वो पार्ट जहां पर ये क्रोमेटिन न्यूक्लियोलस देखने मिल रहा है, जब ये क्या करेगी क्रोमोसोम का निर्माण करेगी ना, तब वहां पर सेंट्रोमियर के अलावा एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन एक और देखने आपको मिलेगा, और वहां से ही किसकी उत्पत्ति होती है, वो पार्ट क्या होता है एक्चुअली वो न्यूक्लियोलस वाले पार्ट होता है, ठीक है, तो उस रीजन को क्या बोला जाता है क्रोमोसोम की, उस रीजन को क्या बोला जाता है नोर रीजन, न्यूक्लियोलस और ओरिजिन रीजन, यह सेट क्रोमोसोम के नोर रीजन से बनता है, और इनका नंबर जो है वो किस पर डिपेंड करेगा, देखो कहीं कहीं पर न्यूक्लियोलस की संख्या एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, चार हो सकती है, पांच हो सकती है, तो जितने ज्यादा न्यूक्लियोलस होंगे तो उतने ज्यादा आपको क्या देखने मिलेंगे सेट क्रोमोसोम देखने के मिलेंगे, तो जितने ज्यादा सेट क्रोमोसोम देखने मिलेंगे तो उतने क्या होंगे न्यूक्लियोलस, तो अगर आपको न्यूक्लियोलस की संख्या गिननी है ना तो क्या गिन लो सेट क्रोमोसोम, जैसे मानव में कितने होते हैं पांच सेट क्रोमोसोम है, तो न्यूक्लियोलस की संख्या कितने की पांच, पांच संख्या पांच नहीं पांच जोड़ी, ठीक है। और अब मेन मुद्दे की बात करें तो अगर न्यूक्लियोलस के बारे में ये नोर रीजन ये रीजन वो रीजन सेट क्रोमोसोम ये अगर आपको याद भी नहीं रहे ना तो आपको तो एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि न्यूक्लियोलस भी एक प्रकार का क्या डीएनए का पार्ट ही, लेकिन इस में जो डीएनए रहेगा उसको क्या बोलेंगे आर डीएनए, क्यों, क्योंकि क्या करता है आर आरएनए का फॉर्मेशन करता है, और आर आरएनए के साथ जब प्रोटीन को जोड़ दिया जाएगा तो क्या बनेगा राइबोसोम बनेगा, इस कारण इसको क्या बोलते हैं राइबोसोम निर्माण की फैक्ट्री भी कहा जाता है, समझ गए कि नहीं बात को, तो ये यहां पर हमारे चारों के चारों टॉपिक न्यूक्लियोलस से रिलेटेड क्या होते हैं खत्म। अब आप इसको नोट करो अच्छी तरह से, उसके बाद में जो चैप्टर का आखिरी पॉइंट है क्रोमोसोम उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेने की कोशिश करते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ज्यादा तो पूरा का पूरा क्रोमोसोम आपको जैसे जैसे सेल डिवीजन आगे प्रोसीड करेगा तो आपको पूरा का पूरा समझ में आने लगेगा, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ, मैं साइड में हटता हूँ, फिर आपके सामने एक बार फिर से प्रकट होऊंगा क्रोमोसोम को लेकर, तो मैं इसके साइड में हटा, आपने नोट किया, हाँ देखो आपने नोट कर लिया, तो हमारा जो आखिरी टॉपिक है वो क्रोमोसोम है, जो क्रोमोसोम है एक्चुअल में, देखो मैं आपको समझाऊं कि एक्चुअल में क्रोमोसोम है क्या, ये देखो डीएनए, अगर मैं आपको बताऊं कि हमारा जो डीएनए ना एक सेल का डीएनए उसकी लंबाई कितनी है दो मीटर समझते हो आप, ये जो बोर्ड दिख रहा है ना आपको शायद इससे भी लंबा दो मीटर। अब जो सेल है सेल का आकार कैसा होता है माइक्रोमीटर में, तो छोटा सा आपको उसे दिखता भी नहीं है, तो आपको लगेगा कि सेल का आकार कैसा है माइक्रोमीटर में, छोटा सा आपको उसे दिखेगा भी नहीं, सेल के अंदर भी क्या है छोटा सा न्यूक्लियस और उसके अंदर फिर क्या है दो मीटर लंबा डीएनए, तब आपको यह पता लगने के बाद में आपको ताज्जुब हो रहा होगा ना कि सेल तो है छोटी सी उसके अंदर ये दो मीटर लंबा डीएनए कैसे समाया रह सकता है, तो मैं आपको बताऊं कि मान लो कि जैसे कि जो कपड़े सिलते हैं तो या टेलर के पास या घर में मम्मी जब सिलते हैं तो आपने देखा होगा कि कपड़े सिलने के लिए वो एक तागी की वो आती है ना लिपटी हुई, वो ऐसे जिस पर जो धागा लिपटा रहता है ऐसे, तो उस धागे की लंबाई देखो कितनी लंबी होती है, जब आप उसको पूरा खोल दो तो वो तो बहुत लंबा होगा, लेकिन ऐसे थोड़ी है कि उसको पूरे घर में ऐसे फैला करके रखा जाता है, ऐसे थोड़ी होता है,
तो उसको क्या कर दिया जाता है, गूंथ करके लपेट करके छोटी संरचना परिवर्तित किया जा सकता है, जिससे क्या हो वो प्रॉपरली एक प्रॉपर शेप में आ सके, प्रॉपर चारों तरफ फैली ना रह सके। तो एक लंबी संरचना को छोटी संरचना में बदलने का तरीका क्या है, सॉरी लंबी संरचना को छोटी संरचना में समाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लंबी संरचना को क्या कर दो, गूंथ दो, जैसे ऊन को गूंथा जाता है वैसे क्या कर दो, उसको संघनित कर दो। तो एक्चुअल में क्रोमोसोम भी क्या है, डीएनए का क्या ये संघनित रूप ही है, या जो पीछे आप क्रोमेटिन बताई ना, तो क्रोमेटिन को क्या कर दिया जाता है, गूंथ दिया जाता है, तो वो किस में चेंज हो जाता है, क्रोमोसोम में। अगर आपके जो शरीर की पूरी कोशिका है, एक कोशिका में डीएनए कितना लंबा, 2 मीटर, शरीर में कोशिका की संख्या कितनी, लाखों में, तो सभी कोशिका का डीएनए मिला करके जोड़ देना, तो इतना लंबा डीएनए बनेगा कि आप यहां से चले चांद के एक चक्कर लगाया और वापस कहां पर आ गए, धरती पर। तो इतना लंबा डीएनए हमारे सेल के अंदर, सभी सेल के अंदर, जो इम्यून की पूरी पूरी सेल है ना, उस पूरी सेल में इतना लंबा डीएनए कि आप धरती से चले चांद के चक्कर लगाए और वापस कहां पर आ गए, धरती पर, जमीन पर आ गए, इतना लंबा डीएनए बनेगा। हम इतने लंबे थोड़ी, हम तो कितने 5.5 फीट 6 फीट, लेकिन वो हमारे अंदर, हमारे सेल के अंदर कैसे अरेंज है, कुंडलित है वो, किस रूप में, क्रोमोसोम के रूप में। तो देखो कि जब सेल साइकिल चलता है ना, तो उसकी अलग अलग स्टेज आती है, G1, S, G2, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो देखो कि G1 में मान लो कि डीएनए का क्या था, थ्रेड था, ऐसे जब इसको ऐसे संघनित किया जाएगा, एक्चुअल में संघनित जीवन में नहीं होता, ये संघनन कहां से चलता है, इसका प्रोफेज से चलेगा संघनन, लेकिन आप समझने के भी आप इसको ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पर ले करके चल सकते हो कि मान लो कि यहां से संघनन इसका शुरू है, तो डीएनए क्या, थ्रेड है, जब इसको संघनित किया जाएगा तो ऐसी शेप में आ जाएगा, तो ये ऐसी शेप आपको जो है कब देखने मिलेगी, एनाफेज से लेकर के जीवन तक। अब ये एनाफेज में कैसे, अभी देखो आपको मैं आपको समझाता हूं। तो यहां पर एक क्रोमोसोम का मीन क्या है, एक क्रोमोसोम के अंदर डीएनए का कितना धागा है, एक डीएनए का अणु। लेकिन देखो जब एस फेज आएगी तो डीएनए का क्या होगा, रेप्लिकेशन, ये डीएनए का क्या हुआ, रेप्लिकेशन। तो डीएनए के एक धागे से कितने धागे बन गए, 2 धागे बन गए ना। तो एक धागे से ऐसी संरचना बनी थी, अब उसकी कॉपी होने के बाद में यह संरचना आपको कैसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी जब इसका संघनन किया जाएगा। ये रेप्लिकेशन क्यों किया गया, डीएनए को बराबर बराबर भागों में 2 सेल में बांटने के लिए, ठीक है। तो रेप्लिकेशन होने के बाद में ये जो आपको क्रोमोसोम है ऐसे देखेगा आपको। अब ये संरचना, ऐसा क्रोमोसोम आपको कब देखने मिलेगा, एस फेज से लेकर के मेटाफेज तक। एक क्रोमोसोम में कितने डीएनए के अणु देखने मिल रहे हैं आपको, 2 डीएनए के अणु, और ये एक बुझा है ना इसकी, ये जो आधा पार्ट इसका, इस आधे पार्ट को बोला जाएगा क्रोमेटिड, या हाफ क्रोमोसोम को क्या बोला जाता है, क्रोमेटिड, ये आधा पार्ट, ये क्या है, क्रोमेटिड। तो ये कौन सा क्रोमोसोम, मेटाफेजिक क्रोमोसोम, मेटाफेजिक क्रोमोसोम। देखो अब क्या होगा कि प्रोफेज मेटाफेज तक तो ऐसे रहता है, लेकिन एनाफेज आते ही ये जो क्रोमोसोम है आधे आधे हिस्सों में टूट जाता है। तो एनाफेज में कैसा दिखने देखने मिलेगा आपको, ऐसा। टेलोफेज में भी आपको कैसा देखने मिलेगा, वैसा। और जब वापस जीवन फेज आएगी तब भी आपको ऐसा देखने मिलेगा। तो एनाफेज, टेलोफेज और जीवन में ऐसा देखने मिलेगा, लेकिन एस फेज से लेकर के मेटाफेज तक आपको ऐसा देखने मिलेगा। तो ये क्रोमोसोम की क्या है कहानी है, क्रोमोसोम का निर्माण क्या होता है, क्यों, डीएनए को, लंबे डीएनए को छोटे कोशिका में समाहित करने के लिए। अब ये जो क्रोमोसोम है इसके आधे पार्ट को क्या बोला जाएगा, क्रोमेटिड। उसके अंदर जो डीएनए का पार्ट है उसको क्या बोला जाएगा, क्रोमोनीमा। और जो इसके बीच में एक संरचना प्रेजेंट रहती है जहां पर संघनन अत्यधिक ज्यादा रहता है, डीएनए का संघनन अत्यधिक ज्यादा रहेगा, तो उसको क्या बोला जाता है, सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर के दोनों तरफ ऐसे प्रोटीन से बनी संरचना प्रेजेंट रहती है जिसको बोला जाता है काइनेटोकोर। क्या बोला जाएगा, काइनेटोकोर, हिंदी में लिख लेना आप, मीनिंग सही भी नहीं है तो मैं आपको यहां पर कोई इंग्लिश की ग्रामर तो पढ़ा नहीं रहा हूं कि स्पेलिंग गलत हो जाए तो आपका नीट में कोई क्वेश्चन गलत हो सकता है। बिल्कुल बताया था ना आपको, एक रेनिन वाला बताया था। तो यहां पर आपको ऐसी कोई कंफ्यूजन देखने नहीं मिलेगी, इसलिए आप यहां पर कोई मीनिंग का चक्कर नहीं, आप घबराए नहीं। जहां पर
आपको ऐसे सेंसिटिव पार्ट आते हैं, सेंसिटिव टॉपिक आते हैं जहाँ पर मीनिंग होने का, मीनिंग का चक्कर पड़ सकता है या गलत होने का चांस, तो वहाँ पर आपको मैं बिल्कुल समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो एक काइनेटोकोर क्या है, सेंट्रोमेर के दोनों तरफ पाई जाती है प्रोटीन से बनी संरचना, जहाँ पर आकर ये कौन जुड़ता है, तर्कु तंतु जुड़ता है, या तर्कु तंतु कैसे जुड़ेगा, ये सेल डिटेल में पढ़ने वाले। अब टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, सेंट्रोमेर की उपस्थिति के आधार पर क्रोमोसोम कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के। जैसे ये देखो मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में आपको जो सेंट्रोमेर वो बीचों बीच देखने मिल रहा है, सब मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमेर बीचों बीच नहीं, थोड़ा सा एक भुजा की तरफ झुका हुआ, एक भुजा की तरफ झुका हुआ, मतलब एक भुजा थोड़ी छोटी दिख रही है और एक भुजा थोड़ी लंबी, तो एक भुजा थोड़ी लंबी है थोड़ी सी, एक भुजा छोटी है थोड़ी सी। सब में एक्रोसेंट्रिक में देखो सेंट्रोमियर कहां पर चला गया, एक भुजा की तरफ चला गया, मतलब एक भुजा तो अत्यधिक छोटी होगी और दूसरी भुजा अत्यधिक लंबी होगी। और जो टीलोसेंट्रिक है, टीलोसेंट्रिक में तो सेंट्रोमियर कहां पर चला जाता है, टीलोमियर पर। टीलोमियर आपको पता है किसको बोला जाता है, यह जो आखिरी वाला पार्ट है ना भुजा का, जो आखिरी वाला पार्ट होता है इसको बोला जाता है टीलोमियर। तो जो सेंट्रोमियर वो किस तरफ चला जाता है, टीलोमियर पर, एक भुजा बिल्कुल टीलोमियर पर प्रेजेंट। तो ये क्या चारों में क्या है, डिफरेंस सेंट्रोमियर के आधार। लेकिन जब एनाफेज में क्रोमोसोम गति करते हैं ना, एनाफेज में क्रोमोसोम गति करते हैं, तो इन गति करते हुए क्रोमोसोम की शेप भी अलग अलग आपको दिखाई पड़ेगी। जैसे ये कैसा दिखा वी शेप, ये कैसा दिखाई पड़ेगा एल शेप, ये आपको दिखाई पड़ेगा जे शेप, और ये दिखाई पड़ेगा आपको आई शेप। देखो वी की दोनों भुजा कैसी होती बराबर, एल की भुजा एक थोड़ी लंबी एक थोड़ी छोटी, जे की एक भुजा अत्यधिक लंबी होती और एक भुजा अत्यधिक छोटी, और आई तो क्या है उसमें एक ही भुजा होती। तो ये इनके अलग अलग क्या है, नीट 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। लंबी भुजा क्या बोला जाता है क्यों, और छोटी भुजा क्या बोला जाता है पी। तो यहां पर हमारा सेल साइटोलॉजी वाला पूरा पोर्शन क्या होता है, खत्म। एक एक पॉइंट को डिटेल में समझा, एनसीईआरटी की एक भी लाइन आपके लिए नहीं छोड़ी मैंने, एक एक लाइन मैंने आपको समझा दी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है या कोई लाइन समझ में नहीं आ रही तो कमेंट करके बिल्कुल बताएं। तो यहाँ पर हम सेल बायोलॉजी को क्या देते हैं, सॉरी बार बार नाम रहा है, सेल बायोलॉजी साइटोलॉजी को क्या देते हैं, हम विराम देते हैं। तो आई होप आपने सभी के सभी लेक्चर प्रॉपर मैनर में आपने देखे होंगे, प्रॉपर नोट्स भी तैयार किए होंगे। अगर आप इन लेक्चर को डिटेल में देखोगे ना, तब अब जो आगे आने वाले चैप्टर उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इन लेक्चर को मिस करोगे, जैसे आपने राइबोसोम को छोड़ दिया, तो मैं आपको फिर जब आपको वो पढ़ाऊंगा मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ाऊंगा, तब आपको समझ में नहीं आएगा। न्यूक्लियस अगर आपने नहीं पढ़ेगा तो आगे डीएनए क्या होता है, क्रोमेटिन क्या होता है, ये नहीं समझ में आएगा। समझ रहे हो आप बात को, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पढ़ोगे तो आपको क्या नहीं समझ में आएगा, रेस्पिरेशन इन प्लांट नहीं समझ में आएगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं पढ़ोगे तो आपको क्या नहीं समझ में आएगा बताइए, फोटोसिंथेसिस नहीं समझ में आएगा, प्रोकैरियोटिक सेल नहीं पढ़ोगे तो आपको मोनेरा किंगडम समझ में नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर के बात ऐसी है कि आपको ये साइटोलॉजी वाला जो चैप्टर बिल्कुल आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप अब अगले पोर्शन में मिलेंगे नई यूनिट लेकर के, इसका नाम क्या होगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी। लेकिन एक बार आप कमेंट करके जरूर मेरे को बताएं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। तो अगर आप जो सजेस्ट करोगे, जो ज़्यादा सजेस्ट आप करोगे, जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी, तो वो चैप्टर में स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से मैं कौन सा स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, नर्वस सिस्टम स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। लेकिन आपको फिर भी जो टॉपिक पहले चाहिए आप कमेंट करके मेरे को बिल्कुल बताइए, मैं नर्वस सिस्टम को उस चैप्टर से रिप्लेस कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो मिलेंगे एक बार अगले लेक्चर में, तब तक लिए थैंक यू वेरी मच। तो वीडियो को लाइक करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करते रहे, शेयर करते रहे। थैंक यू वेरी मच।